नमस्कार दोस्तों, मैं किशन उपाध्याय स्वागत करता हूँ आपका अपने रेडेक्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो? सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जिसमें आप अपने फोटो को इतने अच्छे क्वालिटी में एडिट कर पाओगे। आपको एडिट नहीं करना है, बस आपको फोटो उस एप्लीकेशन में ऐड करना है और जो एप्लीकेशन रहेगा दोस्तों वो ऑटोमेटिक वो फोटो इतना प्रोफेशनल आपकी फोटो को वो बना के देगा, इतना प्रोफेशनल देगा कि आप खुद आश्चर्यजनक हो जाओगे कि हाँ भाई ये बेस्ट एप्लीकेशन है। जिस एप्लीकेशन को दोस्तों 5 मिलियन लोगों ने सिर्फ इसमें कमेंट किया है, रिव्यू दिया है 5 मिलियन, और 100 मिलियन से ऊपर वो डाउनलोड लोग किए हुए हैं, तो उस एप्लीकेशन का क्वालिटी दोस्तों आप सोच सकते हो कितना बेस्ट होगा। दोस्तों जो फोटो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, इस साइड या इस साइड शो हो रहा होगा, देख सकते हैं आप, उसी एप्लीकेशन से ये फोटो बनाया गया है और कितना ज़बरदस्त लुकिंग में ये सब फोटो इस पर आया हुआ है। तो आज दोस्तों बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करिएगा, शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक करिएगा। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे चैनल व्यू जा रहे हैं अगर सबको ये वीडियो शेयर करें तो जल्दी मेरा भी चैनल ग्रो हो जाएगा आप लोगों के आशीर्वाद से। तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को सीखने के लिए हमें अपने मोबाइल पर चलना पड़ेगा, तो चलिए हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। सो हेलो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का अट्रैक्टिव फोटो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इतना अच्छा क्वालिटी और इतने अच्छे एनिमेशन में आप अपना फोटो, इस तरह के बहुत सारे हमारे पास फोटो हैं वो आप कैसे बना सकते हैं सिर्फ एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करके और अपने मोबाइल में। तो उसी टॉपिक पर आज मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है? तो वीडियो को यार कहीं स्किप मत करिएगा वरना आप समझ नहीं पाओगे कि मैं क्या कहने वाला हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले तो जो एप्लीकेशन है वो आपको सिंपली आपके मोबाइल के प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ठीक है? तो वहाँ चलिए हम अपने मोबाइल का प्ले स्टोर खोलते हैं। प्ले स्टोर खोलने के बाद आपको ऊपर सर्च बार में टाइप करना है जो कि एप्लीकेशन है फोटो लैब। फोटो लैब यहाँ पे देखिए ऊपर आ गया, इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे पूरा मैं आपको यहाँ का डिटेल दे रहा हूँ, नीचे आइए। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4.5 की इसकी रेटिंग है। और दोस्तों इसका जो डाउनलोड है आपको मैं दिखा दूँ, 100 मिलियन से ज़्यादा लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं। और यहाँ पर देखिए 4.5 की रेटिंग है, 2 मिलियन लोगों ने इस पर रिव्यू सिर्फ दिया है। दोस्तों आप खुद सोच सकते हो कि एप्लीकेशन कितना बेटर होने वाला है, क्योंकि 2 मिलियन अगर कोई यूजर इसको रिव्यू देता है तो आप समझ सकते हो कि इसके इस एप्लीकेशन में क्वालिटी क्या है। तो क्वालिटी तो आपको भी पता चली जाएगा जैसे मैं एप्लीकेशन उसका ओपन करता हूँ, ठीक है? तो चलिए हम चलते हैं अपने मोबाइल के एप्लीकेशन की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जब फर्स्ट टाइम आप ओपन करिएगा तो आपको कुछ अलाउ करना पड़ेगा। अगर मोबाइल होगा, अगर इसमें मोबाइल नंबर मांगता है तो आप इसको डाल के OTP वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है? तो आइए पहले तो मैं आपको इस एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन करके दिखा दे रहा। तो यहाँ पे मेरा ये एप्लीकेशन है। अब देखिए फर्स्ट टाइम में जब इसको आप ओपन करिएगा तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है? इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको नीचे क्या करना है, नीचे आपको देख सकते हैं 4 कॉलम दिखा रहा है, एक कैटेगरी है और एक चैलेंज है और एक फीड है और एक माई प्रोफाइल है। माई प्रोफाइल वगैरह से आपसे कोई मतलब नहीं है, कोई इसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको फील्ड पे आ जाना है। नीचे आप देख रहे हैं फील्ड, इसी पे आप अपना फ़ोटो ऐड कर सकते हो और डिजाइन और अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो आपको इसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक अपना फ़ोटो खींच लेना है नॉर्मल सा, ठीक है? जिस फ़ोटो को आप अच्छे से डिजाइन करना चाहते हो उस फोटो को आपको एक अच्छे से फिक्स करना है, अच्छे से कैप्चर करना है। अब आप जैसे मान लो आपने एक फ़ोटो नॉर्मल कैमरे से खींच लिया, ठीक है? अब इसमें से आपको अपने डिज़ाइन चूज करना है कि भाई आपको डिज़ाइन कौन सा चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे डिज़ाइन दिखा दे रहा, डिज़ाइन में आप देख लीजिए जो अच्छा हो। तो मैं फ़िलहाल अभी ढूंढ रहा कोई अच्छा सा डिज़ाइन मिल जाए। अब जैसे कि मान लीजिए कार वाला हमको बेस्ट लग रहा है, ठीक है? कार वाला हमको बेस्ट लग रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास जो आपने पिक्स लिया होगा, जो फ़ोटो आपने नॉर्मल सी कैमरे से खींचा होगा, उस फोटो को इसमें से आप डिटेक्ट कर लीजिएगा। अब मैं जैसे कि दिखा दे रहा आपको, ये फ़ोटो मैंने मान लीजिए मैंने खींचा है, ठीक है? इसके ठंडी का मेरा ऑलरेडी से पहले सा फ़ोटो था, तो मैंने इसी पे सोचा कि एक एग्जाम्पल स्वरूप आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का हमारे पास इंटरफेस आएगा। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं नीचे आपको कुछ फंक्शन मिल जाएगा, कुछ रोटेट वगैरह करना चाहते हैं फ़ोटो को वो भी कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे फुल करने दे रहा। और यहाँ पे अगर साइड में करना चाहते हैं, मतलब मिरर चेंज करना चाहते हैं, लेफ्ट या राइट करना चाहते हैं, तो आप ये यहाँ से नीचे सारा ऑप्शन से क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट का बटन दिख रहा है जो ग्रीन कलर का बटन बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे हमारा फ़ोटो, देखिए क्या आगे का प्रोसेस आ रहा है। अब यहाँ पर एक ऐड आ गया, तो इसको फ़िलहाल हम यहाँ से कैंसिल कर रहे हैं।
देखिए दोस्तों, हमारा फोटो ऑलमोस्ट डन हो गया और बन गया अच्छी तरह से क्वालिटी में। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त फोटो ये बना हुआ है दोस्तों। मैं भी इसके बारे में पहले नहीं जानता था, लेकिन जब मेरे फ्रेंड ने मुझे ये बताया तो मैं सोचा यार कि इस पर एक वीडियो आपको बना दूँ, क्योंकि आजकल यार फैशन का ज़माना आ गया है, तो अच्छे अच्छे लोग अपना पिक्स चाहते हैं कि भाई अच्छा से मेरा फोटो बने, ताकि मैं इसको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह पे शेयर करूं और व्यूज, लाइक, कमेंट्स पाऊं। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं कितना अट्रैक्टिव फोटो बना हुआ है, कितना अच्छा फोटो बना हुआ है। लग रहा है कि मतलब किसी क्वालिटी के साथ इसको खींचा गया है और कुछ अच्छे से एडिटिंग किया गया है। एडिटिंग में दोस्तों मुश्किल से 30 सेकेंड भी नहीं लगा है, हमारा जो फोटो था वो फाइनली बन के तैयार हो गया है। अब इसको हमको डाउनलोड कैसे करना है, तो आपको यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा होगा राइट साइड में, आपको अभी आपके मोबाइल की गैलरी में यह फोटो नहीं गया होगा। ठीक है, तो गैलरी में कब जाएगा, जब आप 3 डॉट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऊपर दाहिने साइड आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको आ जाएगा एक ऑप्शन सेव टू डिवाइस, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सेव टू डिवाइस करेंगे उसके बाद नीचे हमें डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से आप कहीं शेयर करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सअप, स्टेटस, जीमेल, ट्विटर, ब्लूटूथ, प्रोफाइल, गूगल ड्राइव, मतलब इसमें सारा A to Z सोशल नेटवर्क आ जाएगी जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ जाइए, हमको फिलहाल अभी कहीं भेजना नहीं है, तो हमें डाउनलोड करना है। तो नॉर्मल सी बात है, आपको भी कहीं डाउनलोड करना पड़े। ठीक है, आपको तो कोई डायरेक्ट शेयर करेगा नहीं, पहले तो इसको देखेगा तभी इसको कहीं शेयर करेगा। यहाँ पे दोस्तों एक बात और, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है लोगो उस एप्लीकेशन का, फोटो लैब यहाँ पे दिखा रहा है आपको कार के पास, तो वह नहीं हटेगा। उसको हटाने के लिए आपको प्रो वर्जन यूज करना पड़ेगा, प्रो वर्जन के लिए आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, नॉर्मल सी बात है। ठीक, तो आपको इसमें पैसे लगाना पड़ेगा, तो उससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इसको हम थोड़ा सा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं उस लोगो को, तो मैं यहीं पर आने दे रहा। ठीक है, अब हमें फाइनली डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पर क्लिक करना है। उसका प्रो वर्जन लेने के लिए आपको कुछ ज़्यादा कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि मैं प्रो वर्जन यूज नहीं कर रहा, नॉर्मल हमारा जो काम ऐसे ही हो जा रहा है तो हम प्रो वर्जन क्यों लें। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपना इसी पर ही काम करें। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड पर क्लिक कर देता हूँ। अब डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों हमारा फोटो फाइनली डाउनलोड हो गया है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, स्टार्ट ट्रायल वगैरह पे कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें नॉर्मल इसमें स्टार्ट 3D ट्रायल वगैरह पे हमें कुछ नहीं करना है, हमें सीधे बैक चले जाना है। तो हम यहाँ से चले हैं बैक, पूरा यहाँ से हम क्लोज करते हैं। इसमें बहुत सारे फ़ोटो हैं, आप जो भी चाहेंगे उसमें आप कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, आप देख लीजिए, यहाँ आप देखिए ऊपर टॉप दिखा रहा है, ट्रेंडिंग दिखा रहा है और रिसेंट दिखा रहा है, तो आप तीनों में से जो बेस्ट लगेगा आप उसमें कर लीजिएगा। ठीक है, ट्रेंडिंग में मैं ऐसे आपका बताया हूँ, ट्रेंडिंग वाला आपको, ट्रेंडिंग सबसे बेस्ट होता है, फोटो जो ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं वही ट्रेंडिंग में आता है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं टॉप और ट्रेंडिंग। ठीक है, और यहाँ पे 3 डॉट वगैरह से हमें कोई मतलब नहीं है। तो चलिए चलते हैं गैलरी में, देखते हैं अपना फोटो आ गया या नहीं। गैलरी में गए और फाइनली दोस्तों हमारा फोटो देखिए बन के कुछ इस तरह आ गया है आपके सामने, और बहुत ही ब्यूटीफुल लुक के साथ, लवली लुक के साथ दोस्तों आपके सामने हमारा फोटो आ गया है। तो दोस्तों ये क्वालिटी फोटो का ज़बरदस्त है, और इसी बात पे मैं इसको वॉलपेपर पे सेट कर ले रहा, आपने देखता हूँ कैसा आ रहा है। तो मैं यहाँ से वॉलपेपर पे सेट किया, नीचे डन किया, और अब मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितना गजब का इंटरफेस इसका आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि इस तरह का जो भी वीडियो मैं डालूँ आपका नोटिफिकेशन चला जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।